बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेबंद की नाम सत्य, गुरु सत्य हो, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत हो। अब नाम सच कौन सा? पहली चीज में पूरी दुनिया भटक गई। लोग कह रहे नाम तो हम भी जप रहे हैं भैया, जब लग सार नाम ना पावे। पहला तो नाम सच, तब लग जीव भव भटका खाए। ये कौन सा नाम है फिर? यहां साहब पुष्टि करके फिर क्या बोले? कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, कहा न जाए लिखा न जाए। आखिर ये जीव बंधन में है तो बंधन कटे कैसे? आगे कह रहे हैं जहां हम रहे कालगत नाही। उस सतलोक में, उस परम धाम में आनंद क्यों है? माया नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। एक मान्यता तो संसार के सब लोगों ने स्वीकार की, एक भाव, आत्मा जन्म मरण से परे है। यहां अगर किसी गंदी जगह पर गुलाब खिला हो ना, चारों तरफ गंदगी हो, तो गुलाब का जलवा भी कम हो जाता है। यह संसार काल का है, इसलिए अंदर में बड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये पंच भौतिक शरीर में बहुत बीमारी है। साहब ने एक शब्द कहा है, कलयुग में बहुत रोग होंगे, बड़ा विनाश होगा। साहब की वाणी में भी आया, पाप बहुत बढ़ेगा। ऐसा क्यों है? ताकि आदमी फिर शरीर को ही स्वस्थ करने में लगा रहे। जैसे मां झुंझुना देकर बच्चे को बहलाती है, ऐसे काल पुरुष ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी करता है, कहीं शरीर में रोग, कहीं बच्चे नहीं मानेंगे, जटिल, इस समय जटिल अवस्था है। कल्चर पहला तो खत्म हो गया, माता पिता बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, मां बाप बड़ा परिश्रम करते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, यानी बेचैन रहते हैं। बड़ा होने के बाद वही बच्चा काम के वशीभूत होकर मां बाप को त्याग देता है, जीवन भर ही तो दुख देता है संतान। आजकल साहब के शब्दों में बड़ा सहार है, पुत्र समान को बैरी जग में, जन्मत ही दारा हर ले, जन्मते ही स्त्री छीन लेते हैं। स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, लेकिन जब बच्चे रूपी खलौना आ गया तो उसका प्रेम डाइवर्ट होता है, आधा बच्चे में आधा पति में। ब्याह भय घर बेदी, शादी होने के बाद घर छीनता है। कैसे भाई? आपकी अभी बीवी है, आप रह रहे हैं, लेकिन जब आपके लड़के की शादी हो गई ना, जब तो दुल्हन आ जाती है बहू, तब तो अपने घर में भी खंगालते हुए जाओगे करके जाओगे, पता नहीं कैसे बैठी हो। वृद्ध भय बितर रही, आजकल तो क्या जमाना है, बच्चे बाहरी वासनाओं के चक्कर में फंसकर आप बचना दो चीज से, और मां बाप को पहले ही कहते हैं हमें जमीन का हिस्सा दे दो,
और वो माँ बाप के रहते जमीन बेचना चाहते, क्यों बेचना चाहते हैं, मेहरी के कारण। लेकिन एक नियम है, जब तक माँ बाप जिंदा है तो बच संतान का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। अगर वो बेदखल कर दें, फारगती दे दें कोर्ट से, वो खत्म हो जाते हैं, उसकी कुछ राइट ही नहीं है। लेकिन आजकल फिर वो बच्चे पैसा लेकर मौज मस्ती करके वापस फिर घर में आते हैं, मोहवश माई बाप उसको फिर अपने में शरण देते। हम आप इस समय जटिल युग में जी रहे हैं, ये सब काल का खेल है, ज्यादा उलझाता है, शरीर में रोग भोग उत्पन्न कर रहा है। जब आप सुमरण कर रहे हैं इन सब चीजों से परे हैं, नाम की ताकत जब आपके अंदर आ जाएगी तब आप सुरक्षित हैं, नहीं तो आप सुरक्षित कभी नहीं है। अब साहब उस श्लोक में क्यों आनंद है बोल रहे हैं, जहां हम रहे तहां काल कतना ही हंसन हम सुखदायक आए, जग के देर सब काल अधीना बचे सोई जो नाम कुछ ना। कोई निर्भय नहीं है संसार के अंदर, कोई भी नहीं है। नाम की शक्ति, जब अद्भुत नाम सदा रखवाला सुरक्षित है। जग के देर सब काल अधीना बचे सोई जो नाम कुछ ना। आगे साहब एक बात की पुष्टि कर रहे हैं, हम बल एक नाम का भाई, ताही बल हंस मुक्ताई। अब सार नाम के नाम से कई मत मतांतर चल रहे हैं, सार शब्द से लिखा न जाए पढ़ा न जाए वो अलग चीज है, दुनिया ने कृत्रिम नाम बोल दिए। यहां भी साहब ने एक तंज कस दिया, कोटि नाम संसार में एक दो नहीं करे तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बुल्ला को है। कह रहे हैं कोटि नाम करोड़ों नाम संसार में, इनसे मुक्ति नहीं होगी। फिर ये कैसा नाम है, और पुष्टि क्या कर रहे हैं, अद्भुत नाम सदा रखवाला, एक दिव्य चेतना है वो नाम कहलाती है, वो गुरु जागरूक कर देता है। जैसे दूध दूध दधि माथन माखन बिन मथे भेद न घी का, दूध में सर्वत्र घी है लेकिन घी उपयोगी नहीं है उस समय जब तक उसमें सिद्ध नहीं किया गया। इस तरह यूं तो घटघट साइया संतन करी पुकार, पर बलहारी वा घट की जागट प्रकट हुए। तो इस तरह वो ताकत जब दिव्य आ जाती है तो आगे क्या होता है, देखो साहब कह रहे हैं, जहां नाम तह काल गतना ही बिना नाम सब काल की छाई। साहब की वाणी की सत्यता उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में ही प्रूव दी है। ज्ञान ही नर जानत नाही, जीव के संग मन काल राई। अब काल और कोई नहीं, मन ही आहे काल घराला। साहब कह रहे ज्ञानहीन लोग नहीं जानते हैं जीव के संग मन काल रहा है, जीव के साथ मन रूपी काल रहता है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग काल को वासा, काल कहीं बाहर नहीं है, मन है। मन का कहा न कीजिए भाई, मन जीव को भरमावे सोई। अगर मन की स्थिति को आपने देखना है, मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा ध्यान में बैठना। इससे क्या होगा, बस वह होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते शिला पर पड़त निशान।
पता है बच्चा लिखना क्यों नहीं जान रहा है? अभ्यास क्या चीज़ है? कलम को ग्रिप करना नहीं जानता है। मैंने एक बात पहले भी बोली है, अभी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है, राइटिंग के द्वारा इंसान की पूरी वृत्तियां समझ में आ जाएगी, राइटिंग से। अगर राइटिंग सधी हुई है, ब्रेन सधा है, समझना। अगर राइटिंग अटपटी है तो समझना उसमें पेशेंस कम होगा। कई कसौटियां हैं जिससे इंसान के दिमाग का पता चल जाता है। जब आप रोज ध्यान में बैठेंगे, मन की पूरी एक्टिविटी समझेंगे, मन हमला और कहीं नहीं कर रहा है, आपके ध्यान पर कर रहा है। दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है, तीसरा नेत्र यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। मैंने इसकी व्याख्या पहले दी है। तो इस तरह से ऐसे मन समझ में नहीं आएगा, इंसान भटकता है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं, गुरुजी ध्यान में हम बैठते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ लोग। मैं कहता हूं, आप ध्यान में क्या देखना चाहते हैं? ध्यान का मंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है? अगर आप ध्यान में बैठे मनवा तो दस्तुस्प्रे, ये तो सुमरण है, वो तो सुमरण हुआ ही नहीं। ध्यान एकाग्र करने का एक ही लक्षण कि हम एकीकृत हो जाएं। अब एकीकृत कैसे? पहले हमें समझना होगा हमारे ध्यान को विचलित कौन कर रहा है, और ये समझ में तब आएगा जैसे लिखते लिखते बालक बहुत टॉप हैंड राइटिंग हो जाती है, कलम को साधने का उसको अभ्यास से सब चीज हो जाती है। वाह, रहीम कवि ने अच्छी बात कही, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जड़मति का मतलब जड़ बुद्धि वाले सुजन हो जाते। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे शिला पर पड़त निशान। रस्सी आने जाने से शिला पत्थर पर भी निशान पड़े। इसलिए बंधु, आप जब ध्यान में बैठो तो मन की पूरी पूरी स्थिति आपके सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मन मुझे किस तरह से परेशान कर रहा है। आत्मज्ञान में अगर सबसे बड़ा बाधक है तो मन है। मन कहाँ है? वाह साहब ने मन पर बहुत अच्छा बोल दिया है। संतो तन खोजे मन पाया। हाँ, क्या कह रहे? तन को खोजने पर मन ही मिला। तन ही मन है, इंद्रिया मन है, तो वाह ये शरीर ही मन है। फिर इसकी पुष्टि कर रहे हैं, मन माया तो एक है, माया मन है समाय। जब अध्यात्म की बात करो तो ठेलुआ लोग क्या कहते, ये तो भक्तों का काम है। नहीं भाई, ये हर एक मनुष्य का काम है, बस समझे। हम सब जानते हैं शिक्षा जीवन के लिए आवश्यक है, इसी तरह अध्यात्म ज्ञान बहुत जरूरी है, शिक्षा से भी कहीं महत्वपूर्ण है। पहले इस प्रवृत्ति को हमारे लोग समझते थे। मैंने अपने जीवन में देखा, इस 18 अप्रैल को, आज 13, आज 12 तारीख है, 13 तारीख को यहां पर लोहड़ी होती है, हम भी कल मनाएंगे यहां आश्रम में। तो मैंने एक चीज अनुभव की अपने जीवन काल में,
आजकल इंसान जितना भटका हुआ है कभी भी नहीं भटका था। अपनी आयु में मैंने देखा तो ये 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है, बहुत बड़ी बड़ी सन्यासियों की टोलियां जाती थी, बहुत अच्छी लाइन पर चलते थे। आजकल तो अध्यात्म एक बिजनेस है, पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। अब उस समय लोगों में लालसा थी आत्मकल्याण के लिए, जैसे थोड़ा सा रुझान उनको भक्ति की तरफ था तो पाप कम था, देखते देखते पाप इतनी सीमा तक बढ़ गया कि आपको क्या बताएं, बड़ी दुर्दशा हो गई है। तो बंधुओं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिला पर पड़त निशान। रसी आने जाने से सिला पर भी निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार जब कंटिन्यू आदमी लिखता है तो उसकी राइटिंग सुधरती जाती है। राइटिंग में एक दो बैलेंस चाहिए, एक कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान ही तो सब कुछ है। जिसका ध्यान नियंत्रित है समझना उसका मन नियंत्रण में है। सुरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। तो जब आप पहले बैठेंगे ऐसा नहीं है कि बटन ऑन किया और अंदर की दुनिया दिखेगी, नहीं नहीं, समझने की जरूरत है। और तीसरी आंख गुप्त है, ये न तो यहां है न तो यहां है, वो दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है। इसलिए साहेब की थ्योरी ऑफ मेडिटेशन ही है सुरत योग। न तो ज्ञान योग को महत्व दिया, न तो किसी अन्य योग को साहेब ने महत्व दिया, बस सुरत योग। जो कुछ है वो सुरत है। आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आपका ध्यान टल जाएगा सभी चीजें खत्म हो जाएगी। इसलिए आप जब भी ध्यान में बैठे कृपा करके एक चीज करना, आप अब ध्यान कैसे एकाग्र करें वो सुनना। आपके पास में नाम की एक ताकत आई है, अब आपको ध्यान कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। यही तो बात मुझसे एक सज्जन ने कही, कहा गुरुजी आप खुद बोलते हैं गोरख अटके कालपुर कौन कहा वे साहब, बड़े बड़ों को ऋषि मुनियों को आप उदाहरण देकर बोलते हैं मन और माया ने विचलित कर दिया, तो हम कलयुगी जीव हैं। मैं कहा नाम नहीं था, नाम के बाद आपको एक सहारा आ गया। मैंने एक उदाहरण दिया, भोपाल में तालाब, भोपाल का ताल बहुत मशहूर है, ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, कहावत है रानी में रानी पद्मावती बाकी सब गढ़ैया, ऐसे बोलते हैं, गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो भारत का सबसे विशाल ताल भोपाल का है, जब वो फुल हो जाता है खतरा हो जाता है तो उसके गेट खोलते हैं, पानी फिर निकल जाता है कोलार से होकर कहीं। यह है भोपाल का ताल, आपको समुद्र की तरह लगेगा। इतना ही नहीं है, ये एक टाइम पर सीहोर तक था, 35 किलोमीटर लंबा। तो बंधुओं बदबदा, जब वो पानी खुलता है गेट, कितना भी बड़ा तैराक क्यों नहीं है बह जाएगा और चट्टानों से उछालता हुआ ले दूर फेंकेगा जाकर, डूब भी सकते। लेकिन कुछ लोग उसमें शौकीन है, नहाते हैं उसमें, एक बार है पूरी गेट के साथ जहां खोलते हैं 10-15 फीट पर एक बाड़ है, बार लगी है लोहे की खूब लंबी, बीच में एक आध पिल्लर भी है, उसमें जंजीर बंधी है, नहाने वाले वो जंजीर कमर में बांधते हैं। जब वो जंजीर बांधी तो पानी की धार उनको उछाल नहीं पाती है, फिर
और कई शौकीन उसमें नहाते हैं। बहुत तेजी से पानी निकलता है, इसमें रुकना बहुत मुश्किल होता है, तैरना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी ये गेट पूरे नहीं खुले हैं क्योंकि इस तालाब में पानी संचित किया जाता है, पूरा भोपाल इसी पानी को पीता है, इसलिए साल भर पानी की वहां जरूरत है। ये ताल राजा भोज का बनाया हुआ है, तो जब जंजीर बन जाती है उसके बाद पानी नहीं उछाल पाता है। वेग तो उसका रहता है लेकिन तैरने वाले को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसी तरह जब नाम होता है तो मन प्रभावित कर नहीं सकता, वेग तो उसका है। तभी तो कहा काल निरंजन सभय नचाए, पर नाम होए तो मात जप नवाबे। देखिए एक मनपर साहब ने कितनी प्यारी बात कह दी है, ज्ञान ही नर जानत नहीं, इस तरह नाम के बाद इसका जोर नहीं चलता है। जहां नाम तहकालगत नहीं, यही तो रहस्य है संतत्व की धारा में। इसलिए संतत्व की धारा में किसी भी अन्य चीज को महत्व नहीं दिया, गुरु को दिया। सदगुरु नाम बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। नाम की महिमा सभी संतों ने कही, वो नाम गुप्त नाम गुरुबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकै समझाए, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। साथ में पुष्टि और भी दे रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, करोड़ों नाम दुनिया में है उनसे मुक्ति नहीं होगी। मूल नाम ये गुप्त है, भूछे बड़ला को जब ये ताकत आ जाती मन का बल नहीं चलता है। जैसे प्रकाश अंधकार का नाशक है, इसी तरह नाम अज्ञान का नाशक है। नाम से हृदय प्रकाशित होगा, अंतःकरण में विचरण करने वाले मत्सर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि सब ठीक ठीक से समझ में आने लगेंगे। क्या सुंदर शब्द साहब ने कहा, जा घट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। नाम, अभी रुकिए, मेरे पास कुछ लोग विदेशों से आते हैं, आज भी एक कपल आया दुबई से, मुझे कहा नाम दान दो। यहां पर हम नाम दान केवल पूर्णिमा को देते हैं, पहले मैं सब जगह नाम देता था, जाता रहता था, बंबई में नाम दान देता था, अहमदाबाद में नाम देता था, रायपुर में नाम देता था, हिमाचल प्रदेश में नाम देता था, जलंधर में नाम देता था, लुधियाना में देता था, कई जगह नाम देता था, दिल्ली में भी देता था। आजकल मैंने यात्राएं थोड़ी कम कर दी है, पर जब भी मैं गोंडा जाता हूँ तब भी मैं वहाँ भी नाम दे देता हूँ। आप कार्ड देख लें, आप कैलेंडर देख लें हमारा, वो हमने यूट्यूब में भी डाउनलोड किया है, क्योंकि नामदान देने में एक डेढ़ घंटे का समय लगता है, चाहे एक आदमी को दो चाहे हजार। गोंडा में तो मैं दो दो हजार आदमी को एक टाइम पर दीक्षा देता हूँ, इंडिविजुअल को नहीं देते हैं। तो नामदान के लिए चार पांच जगह हैं अभी, पहले तो बहुत जगह नाम देता था, रांझड़ी, भोपाल, गोंडा, सुल्तानपुर,
पहाड़पुर आदि, और पटना भी जब जाता हूँ नाम जान देता हूँ। आजकल यात्राएं कम कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल नाम नहीं देते हम। श्रोताओं से प्रार्थना है, जिज्ञासुओं से, कि आप रांझड़ी आकर के मुझे ये नहीं कहो कि आज नाम दो। रांझड़ी में पूर्णिमा को दीक्षा दी जाती है हर महीने। आगे चलता हूँ। मन का कहा न कीजिए कोई, मन जी को भरमा बिसोई। भैया मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई। पलक पलक मन और, ये मन पल पल में अपने रंग बदलता है, इससे सतर्क रहना। मन को कहा जो करे भाई, भव सागर में दे भाई। इंद्रिया मन एक दूसरे के पूर्वक है, इनसे सतर्क। मन चंचल सो काल है भाई, हजार जगह तो लिख दिया मन ही आए काल कराला, अजीब नचाए करे बयाला, कहीं संशय ही नहीं छोड़ा। मन को त्यागे निर्बल हो जाए। मन के रूप समानी माया, सब संसार व्याप्त है छाया। मन माया तो एक है, माया मन है मिला है। मन थिर कर परमात्म जाना, यह विद्य तत्व लेह पहचाना। जब तक आप कल्पनाओं में घूम रहे हैं, इसका कारण बताता हूं क्या होता है एकाग्रता। आपकी आत्मा कहीं दूर नहीं है, आपकी आत्मा वही है। आत्मा क्यों नजर नहीं आती है? मन और माया के कारण। आपका ध्यान या तो चित्त घुमाता है या बुद्धि घुमाती है, या इच्छाएं करते हो या संकल्प करते हो, वो है, उसमें घूम जाता है। 24 घंटे ये सिलसिला चलता है। जागत सोवत धर धर मारे, और मन को कोई देख ना पाए, इसलिए वो हमेशा अलर्ट है मन। और मन की गति रुकने के बाद जो बाकी बचा वो आत्मा है। क्या बात है, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं साहब, बोला हे अर्जुन, मन के समग्र निग्रह से ही आत्मा का ज्ञान मिलेगा। यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं। तो काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम का विश्व। तो ये जटिल युग है, इसमें बहुत बीमारियां उठेगी, जिससे आदमी इन्हीं में उलझा रहे, बहुत समस्याएं उठेगी इसी में उलझा रहे, क्योंकि आदमी का ध्यान इन्हीं चीजों में मन भटकाएगा, ताकि अंदर की बात सोचे ही नहीं। काल स्वरूप नहीं पहचाना, पूरी दुनिया काल को जानती नहीं है, आपके पास ही बैठा हुआ है। काया माया झूठी जानो, झूठा सकल पसारा मानो, पर झूठा नाम साहेब का नहीं, बोझ ले अपने ये माए। काल पाए जग उपजो, काल पाए सब धाय, काल पाए सब बिन सही, काल पाए काल का खाए। मन ही आए काल कराला, जब आप स्मरण कर रहे हैं तो उसके समय पता है क्या होता है, बाकी कल्पनाएं रुक जाएगी। चिंता तो सतनाम की, आयाम क्या है, ध्यान नाम, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। तो भाइयों, ध्यान में ईमानदारी से बैठना, स्मरण जरूर करना, और स्मरण एक आयाम है मन को नियंत्रित करने का। धन्यवाद, कल मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा साहिब।